Hello, I am Dr. Albinus Lakra, Senior Consultant, General and Laparoscopic Surgeon, Brahmananda Narayana Multi-Speciality Hospital, Jamshedpur. अभी मैं इंसिशनल हर्निया के ऊपर इन सिंपल वर्ड्स डिस्कस करेंगे. हर्निया क्या होता है, इंसिशनल हर्निया किसको बोलते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है, क्या कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा आप लोग को. पहले तो डेफिनेशन जो है इंसिशनल हर्निया का, इंसिशनल मतलब कोई ऑपरेशन, मतलब कोई सर्जरी हुआ है उसमें हम लोग चीरा लगाए हैं, इंसिशन मारे हैं, खास करके एब्डोमेन में, पेट में. पेट का कोई भी ऑपरेशन के लिए जो काट के हम लोग पेट का अंदर जाते हैं, उसके बाद जब ऑपरेशन के बाद में उसको रिपेयर किया जाता है, एब्डोमिनल वॉल जो है उसको रिपेयर करते हैं. रिपेयर करने के बाद में अगर 2-3 महीना बाद में कोई वहाँ स्वेलिंग आता है, कुछ कोई फूल रहा है, खांसने से छींकने से वहाँ बड़ा फूल जाता है, फिर लेट जाने से चला जाता अंदर, तो उसको हर्निया बोलते हैं. इंसिशनल हर्निया मतलब इंसिशन का बाद में, कोई ऑपरेशन का बाद में वहाँ फूलता है, उसको इंसिशनल हर्निया बोलते हैं. इंसिशनल हर्निया बहुत रिस्की होता है, इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, एंड ट्रीटमेंट ऑलवेज इसका सर्जिकल होता है. इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, दवा या कोई ऑल्टरनेटिव मेथड और कुछ है नहीं. ये इंसिशनल हर्निया किस में होता है, किनको होता है, खास करके जो लोग ओवरवेट हैं उनमें, उनको होने का चांस ज़्यादा रहता है. लोग स्मोकिंग करते हैं, कभी ऑपरेशन के बाद में जल्दी वेट गेन हो गया, या अर्ली प्रेगनेंसी हो गया ऑपरेशन के इमीडिएट बाद, 1-2 महीना में, 2-4 महीना में, उसमें पेट का अंदर में जो प्रेशर बनता है, स्ट्रेस होता है, उसका चलते हर्निया हो सकता है. दूसरा है ओल्ड एज. ओल्ड एज में मसल ऐसे वीक रहता है, उसका ऊपर रिपेयर जब होता है तो वहाँ वीकनेस रह जाता है. और भी कारण हो सकता है, जैसे कि अलग पेशेंट का डायबिटीज़ है या कोई दूसरा बीमारी के चलते स्टेरॉयड लेते हैं तो उनमें हीलिंग पावर अच्छा नहीं रहता है, या किडनी बीमारी है जैसे कि डायलिसिस होता है, या लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर डिजीज़ है, तो इनमें हीलिंग पावर बहुत अच्छा नहीं होता है. तो कोई भी ऑपरेशन के बाद में ऊंट अच्छा से हील करता नहीं है, वीक हो जाता है. ऑपरेशन के बाद तुरंत अगर खांसी हुआ, कॉफ हुआ, भारी सामान उठाए, वेट लिफ्टिंग किए अर्ली 1-2 महीना में ही, तब ऑपरेशन के बाद में हर्निया होने का चांस रहता है. इसको इंसिशनल हर्निया बोलते हैं. तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसिशनल हर्निया खास करके दो ही है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है और स्ट्रेंगुलेशन. ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो गैप हो गया है एब्डोमिनल वॉल के ऊपर, पेट का दीवाल के ऊपर, जहाँ पर मसल का बीच में गैप है, तो गैप से पेट का अंदर से आतरी आ जाता है बाहर. आतरी हो या पेट का अंदर में जो ओमेंटम होता है, फैट होता है, वो बाहर आ जाता है, खड़ा होने से बाहर आ जाता है, फिर लेट जाने से अंदर चला जाता है. ये रिड्यूसेबल है. अगर कभी खांस दिए जोर से, छींक दिए, कोई भारी सामान उठाए और कोई पेट का अंदर से बाहर आ गया, कोई चीज़ इंटेस्टिन हो या फैट हो, और वो अंदर नहीं जा रहा है, फिर पेन होने लगता है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड इंसिशनल हर्निया. ये अगर ज़्यादा देर रह गया, ऐसे ऑब्स्ट्रक्टेड रह गया, और जहाँ नेक जो जहाँ गैप है, गैप अगर छोटा है, वहाँ से ज़्यादा अमाउंट में फैट या इंटेस्टिन आ गया, तो ज़्यादा देर टाइट रहता है, टाइट रहने के कारण में उसका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है. ब्लड सप्लाई बंद हो जाने से वो फैट हो या इंटेस्टिन वो सड़ने लगता है, फिर इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ता है. ऑपरेशन इसका दो टाइप का है, एक लैप्रोस्कोपी, दूसरा है ओपन सर्जरी. दोनों में मैश यूज होता है, प्रोलिन मैश, प्रोलिन जाली जैसा होता है, अलग अलग साइज का, डिपेंडिंग कितना बड़ा गैप है उसी हिसाब से मैश यूज होता है साइज. लैप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है इन एन एक्सपर्ट हैंड, क्योंकि उसका हॉस्पिटल स्टे कम होगा, हीलिंग कम होता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कटता नहीं है, फ्यू होल्स बना के पेट का दीवार में होल्स बना के मेश को अंदर डाल के सारे जो हर्निया एरिया है उसको छोड़ा के वहाँ से, वहाँ पर अंदर से उसको रिपेयर किया जाता है, मेश से मेश को फिक्स कर दिया जाता है, तो अंदर से और बाहर कोई चीज़ आ नहीं सकता है, वहाँ जाम हो जाता है, सील्ड हो जाता है. ओपन सर्जरी में दोबारा पेट खोल के वहीं उस जगह में डिसेक्शन करके मसल लेयर या मसल लेयर के पीछे में मेश को वाइड एरिया से लेके उसको बिछा के उसको वहाँ अच्छा से फिक्स करके एब्डोमेन वॉल को क्लोज कर दिया जाता है, तो उसमें सीमेंटिंग जैसा अच्छा से रिपेयर हो जाता है. थैंक यू.